हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने कुछ दिलचस्प उदाहरणों द्वारा ज्यामितीय आकृतियों से बने पैटर्न के बारे में और जाना। इस वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ मजेदार अवधारणाओं को देखेंगे। राजू, बबलू और गोलू एक अनोखा खेल खेल रहे हैं। गोलू एक पैटर्न दिखाएगा और राजू और बबलू को उस पैटर्न का नियम ढूंढकर उस पैटर्न को पूरा करना होगा। राजू और बबलू सोचने लगे। देखो गोलू, मैंने तुम्हारे पैटर्न को पूरा कर लिया, राजू ने गोलू से कहा। मैंने भी तुम्हारा पैटर्न पूरा कर लिया गोलू, बबलू ने गोलू से कहा। अच्छा राजू, अब पहले तुम मुझे बताओ कि तुमने ये पैटर्न कैसे बनाया, गोलू ने राजू से पूछा। मैंने ब्लॉक को हर बार घड़ी की सुई की दिशा में एक चौथाई घुमा घुमा कर ये पैटर्न बनाया है, राजू ने गोलू से कहा। अरे तुमने तो इसे गलत तरीके से बनाया है। मैंने इस पैटर्न को बनाने के लिए ब्लॉक को हर बार घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में तीन चौथाई घुमा घुमा कर ये पैटर्न बनाया है, बबलू ने राजू से कहा। राजू और बबलू झगड़ने लगे। दोनों को लग रहा है कि उसका ढूंढा हुआ नियम सही है। अरे अरे लड़ो मत दोस्तों, तुम दोनों का ढूंढा नियम सही है। दरअसल घड़ी की सुई की दिशा में एक चौथाई और घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में तीन चौथाई दोनों बिल्कुल समान है, इसलिए तुम दोनों ने ढूंढा नियम बिल्कुल सही है, गोलू ने राजू और बबलू से कहा। राजू और बबलू गोलू की बात समझ गए और तीनों दोस्त मिलकर खेलने लगे। बच्चों, इस वीडियो में हमने ज्यामितीय आकृतियों से बने पैटर्न से संबंधित कुछ मजेदार अवधारणाओं को देखा।